नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शारदा एनर्जी के लेटेस्ट न्यूज के बारे में। और शारदा एनर्जी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट अनाउंस हो गया है दोस्तों, तो अब उसके टारगेट प्राइस क्या होंगे और बढ़िया डिविडेंड, बड़ा डिविडेंड 7.5 रुपए का दिया है शारदा एनर्जी ने। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चर्चा को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ा करें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द वीडियोस आर फॉर द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज ओनली एंड इज नॉट ए ट्रेड रिकमेंडेशन इन एनी वे। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग मूव करते हैं रिजल्ट्स की तरफ। अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग शारदा एनर्जी की तरफ चलते हैं। अगर इसका 52 वीक हाई देखें तो 612 रुपए है, वहां से स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला था, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजल्ट की एक्सपेक्ट कर रहा था। वैसा ही रिजल्ट इस बार आया भी है। वहीं 52 वीक लो देखिए तो 130.95 रुपए। मार्केट मोजो स्कोर देखिए तो 24 बहुत ही पॉजिटिव है, +25 है, एक केवल माइनस का है, यानी इनके रिजल्ट हमेशा बहुत ही अच्छे रहते हैं और साथ में डिविडेंड भी बहुत बढ़िया डिक्लेयर करते हैं। तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। अभी रिजल्ट आ गया दोस्तों आज की डेट में। यहाँ पे देखिए आज बोर्ड की मीटिंग के आउटकम्स क्या रहे। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों देखिए तो रिकमेंडेड डिविडेंड ऑफ 7.5 रुपीज, तो जो फेस वैल्यू 10 रुपए है वहां से 75% का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। तो एक बढ़िया डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर किया है 7.5 रुपीज का, लगभग 1 से 1.5% का रिजल्ट यहाँ पे डिविडेंड कह सकते हैं। आगे दोस्तों हम लोग रिजल्ट की तरफ चलें तो एक एक रिजल्ट पे एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों टोटल इनकम की बात करेंगे। तो टोटल इनकम यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, वो है इस बार की क्वार्टर की 578 करोड़। ये सारे फिगर दोस्तों करोड़ में दिए हुए, तो 578 करोड़ का यहाँ पे फिगर नजर आता है, जो कि लास्ट क्वार्टर से इनकम में जो जंप है लगभग कह सकते हैं कि 20% के आसपास का जंप है। वही आप ईयर ऑन ईयर देखें तो लगभग कह सकते हैं कि डबल हो चुकी इनकम, तो इनकम में काफी ज्यादा जंप देखने को मिला है। वहीं पे दोस्तों अगर आप एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो 427 करोड़ के आसपास एक्सपेंसेस हुए हैं, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के एक्सपेंसेस से ज्यादा है। तो अगर हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस देखें तो वो 145 करोड़ का प्रॉफिट नजर आता है, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन देखें तो 9 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। लगभग कह सकते हैं कि अगर आप 9 करोड़ के आसपास, तो 136 करोड़ ज्यादा प्रॉफिट हुआ है ईयर ऑन ईयर। वहीं पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो भी दोस्तों लगभग 20% से ज्यादा का जंप देखने को मिला है प्रॉफिट में। तो जबरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे, अच्छा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस देख लें तो भी लगभग 20% का जंप देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर तो आपको कंपैरिजन करना ही नहीं है। लास्ट ईयर आपको 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, इस बार आपको 111 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो जबरदस्त रिजल्ट। अर्निंग पर शेयर में देखिए तो 30 गुना ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है। 1.45 रुपए लास्ट ईयर था, अभी 30.90 रुपए। वहीं अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 26.16 रुपए था, अभी है 30.91 रुपए। तो एक बढ़िया रिजल्ट, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो अब इस शेयर को और ऊपर जाना चाहिए और 52 वीक जो हाई है उसको क्रॉस करना चाहिए। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस। अब हम लोग चार्ट पे देखते हैं, चार्ट चेक करते हैं। तो 3 महीने का दोस्तों चार्ट चेक अगर हम करें तो बुलिश रिवर्सल होने ही वाला है दोस्तों। जैसे ही अरुण कर्व कट कर देगा, ग्रीन कैंडल नीचे आएगी, अरुण ग्रीन नीचे आएगी और रेड ऊपर जाएगा, ग्रीन ऊपर जाएगा और रेड तो यहीं पे जीरो पे ही है। तो काफी ज्यादा बुलिश फॉर्मेशन में ही अभी भी शेयर है, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह से बुलिश फॉर्मेशन हुए हैं तो आफ्टर करेक्शन एक अब बढ़िया मूव मिला है। तो यहाँ से आपको बस बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है 510 रुपए के आसपास। 510 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ अब ये दोस्तों 600-610 के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट, डिविडेंड भी बहुत अच्छा है। तो इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 10% के टारगेट के लिए आप इसको फोकस कर सकते हैं इस शेयर को। तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है। तो ये थी दोस्तों एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आई है। तो हमारे टेलीग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। थैंक यू दोस्तों।